खत्म होता है अपने अपना बस्ती जाने के लिए अपने अप... हम लोगों जो एजुकेशन मिनिस्टर है जो पासंग दोरजी सर ने कहा है कि 3 जुलाई को उन्होंने एक सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप का जो फंड है वो रिलीज हो चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो बोल रहे हैं कि ऊपर से कि जो आधार कार्ड का जो रेक्टिफिकेशन के लिए वो बात कर रहे हैं कि 7000 समथिंग ऐसे कुछ का अराउंड फिगर है जिसमें वो बता रहे हैं कि इस रेक्टिफिकेशन का ज़रूरत है ऐसा बोल के, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका क्वेश्चन को जवाब दूंगा। सबसे पहले मेन बात तो टेक्निकल को हमारा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं जानेगा, क्योंकि वो नया एजुकेशन मिनिस्टर में आया है और पहले वो सर जो स्पीकर में था, ये टेक्निकल को डिपार्टमेंट नहीं जानता है। सर जो डिपार्टमेंट जैसे बोलता है वो फेसबुक पोस्ट करता है, वो क्लियर बात है, क्योंकि सर जो टेक्निकल इशू कभी स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानेगा। अभी थोड़ा थोड़ा जान रहा होगा, लेकिन टेक्निकल को डिपार्टमेंट हायर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मालूम होगा। सर जो जैसे उन लोग का इंडिकेट है वो लोग ऐसे पोस्ट करता है। जो आधार कार्ड का बात है, जो 7164 जो अभी बचा है वो आधार का साथ में अकाउंट को सीडिंग करना है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका जिसका सीडिंग हो गया ना, जिसका ऑलरेडी सीडिंग होकर एक्टिव है, वो जो आप क्या करना है कि वो जो 10 to 15 days रुकना है, ऑटोमेटिक वो 7164 जो 10 to 15 days अंदर में वो हमें क्या बोल डिपार्टमेंट में शो करेगा, इसका क्लियर हो गया बोल के, तब पैसा जो उसको वहाँ पे रिलीज करेगा। तो सीडिंग जिसका नहीं हुआ है, वो जो पर्सनल अपना जो क्या बैंक ब्रांच में जाके अकाउंट को सीडिंग कराना है। पहले आदमी को कन्फ्यूज होता है कि आधार और अकाउंट लिंक होने से भी वो सीडिंग नहीं होता है, आधार का साथ में लिंक होने से भी अकाउंट को अलग सा सीडिंग कराना होता है, इसीलिए टेक्निकल पार्ट ये है। आज जैसे कि देख रहे हैं कि इस बार आप हर समय आप स्टूडेंट के बिहाफ में हर समय आप काम करते हैं, हर समय उनके तत्पर रहते हैं, हम लोगों ने देखा आप बहुत साल से आप फॉलो करें, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि आपको धरना तक करना पड़ गया है? इसका आखिर आपको क्या लगता है, इसका जो रीज़न आपको जड़ आपको क्या क्या लगता है देखने में? सबसे पहले तो हम दिल्ली गया, दिल्ली जाने का बाद यहाँ से जब वो लोग जो हमको ऑफिस में जाने का बाद बोले कि हम जब बोले कि सर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, वो लोग बोले कि प्रपोजल तो भेजा है लेकिन पैसा सेंटर से नहीं आ रहा है। तो हम बोले कि अभी दिल्ली आजकल दूर नहीं है, तो मैंने पैसा मैनेज किया, दिल्ली मैंने किया, वहाँ मैं ऑफिस में जाके पूछा, हम बोले सर आप लोग यहाँ से फंड भेज रहा नहीं बोले, तो वो लोग बोले कहाँ से अरुणाचल डिपार्टमेंट हमको प्रपोजल भेजा ही नहीं, पूरा कागज़ हमको भेजा है, प्रपोजल दिया नहीं। और एक तो यूटिलाइज सर्टिफिकेट होता है, जो पैसा को पूरा यूटिलाइज कर दिया बोल के वो एक सर्टिफिकेट होता है, वो डिपार्टमेंट से भेजता है, वो भी भेजा नहीं था। तब हम दिल्ली से वीडियो बना के यहाँ आने का बाद बोले फटाफट वो लोग डिपार्टमेंट लोग जो प्रपोजल भेजता है, ये लोग का झूठ को नाम पूरा मालूम है, इसलिए हम बोले कि डिपार्टमेंट हमको चैलेंज करो, यहाँ हम दिल्ली तक जाके हम पता करें, क्योंकि इसलिए हम धरना रैली करना पड़ रहा है कि पहले बात तो आप लोग ने प्रपोजल को लेट भेजा, पहले बात तो यूटिलाइज सर्टिफिकेट आपने लेट भेजा, और जितना अमाउंट आया इसमें नहीं आया, असल में वहाँ से आपको 85 crore आना था लेकिन आ गया 70, तो यहाँ आधा यहाँ अभी स्टेट गवर्नमेंट देना पड़ रहा है। अच्छा से अगर वो प्रपोजल भेजता तो 85 का 85 भी आना था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए हम लोग रैली करना पड़ा है बोलने से। डिपार्टमेंट में गया, डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि टेक्निकल एरर को दिल्ली से हम भी पता है, PFMS कहाँ से होता है हमको भी पता है। तो हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जितना जनता सुन रहा है, कंप्यूटर को इंसान बनाया है ना, तो इंसान का टेक्निकल को इंसान सॉल्व नहीं कर सकता क्या? तीन अभी वो लोग बहाना हमारा टेक्निकल इशू, 3 महीना में टेक्निकल इशू कैसे होगा? 3 महीना। और कल जब SP में हम जब परमिशन लेने गया, SP ऑफिस पहुंचा है, तो उसको एजुकेशन का डायरेक्टर और नोडल ऑफिसर को बुलाया, PFMS का को भी बुलाया, तो जैसे वो लोग वहाँ से हम लोग मीटिंग के बाहर निकले तो उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि चरपो भाई तोरा से अभी टेक्निकल तोरा जवाब देने लगा है बोले। अच्छा जब SP बुलाया तो टेक्निकल कैसे जवाब देगा? ये तो बहुत हंसी वाला बात हो गया ना। तो इसलिए और हमारे मेन रीज़न ये है कि हमारे रिनोन जो हमारे यहाँ का जो इतिहास चल के आया, न्यूज़पेपर जो है पेज है हमारे अरुणाचल टाइम्स में ये छपा है कि 48 आवर्स टू 72 आवर्स में पैसा डिसबर्स होगा बोला है। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर खुद पोस्ट किया, आप लोग सब विकनेस क्या होगा, डिपार्टमेंट खुद पोस्ट किया है, तो पोस्ट करने का बाद स्टूडेंट का सेंटीमेंट, स्टूडेंट का इतना रुकने देने का, ये जो इलीगल है लॉ में, अगर किसी को जूता दिला से देना ये इलीगल है,
किसी को विश्वास, गलत विश्वास, झूठा विश्वास दे रहा है, यही गलत है। क्योंकि हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इन लोग का अगर ऐसा नहीं हो, जूता दिलासा नहीं देता, तो हम लोग रैली करना क्या जरूरी था। और यहाँ पे इसलिए रैली कर रहा है कि मैं सरकार को भी ये बता रहा हूँ कि आपका सरकार को, आपका एजुकेशन मिनिस्टर, आपको नाम लेना जरूरी भी नहीं, हम सोचता भी नहीं। आप चुपचाप परमानेंट क्या सोल्यूशन ले कर रख दीजिए कि नॉर्म्स के हिसाब से। नॉर्म्स ये कहता है कि जून टू जुलाई में एडवर्टाइज होना है, जून टू जुलाई तो एडवर्टाइज होना है। आपका बाद पूरा आपका करने का बाद, जो प्रोसेस होने का बाद, आपका अप्रैल तक लास्ट तक पूरा आपका क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन यह ऐसे क्रेडिट हुआ नहीं। तो इसलिए हम 1000 ऑफ स्टूडेंट का सेंटीमेंट को लेके हम आज रैली किया है। और मैं बता दूँ, यहाँ पे इन लोग जो है बार बार बोलते हैं कि फास्ट पेस दे दिया, फास्ट पेस दे दिया, फास्ट पेस है नहीं। ये लोग अभी देखो जो 7164 स्टूडेंट का को भी ये लोग नहीं बता के पैसा को रखेगा। अरे स्टूडेंट को बताइए ना, ब्रीफ बताइए कि आपका अकाउंट सीडिंग करना है, बैंक लिंक करना है, कभी डिपार्टमेंट बताता ही नहीं है। तो जब तक बच्चा को नहीं समझाएगा, जो रिन्यूअल है वो समझेगा, लेकिन जो फ्रेश है कैसे मालूम होगा अकाउंट सीडिंग करना है, ये प्रोसेस होगा, वो समझेगा नहीं, है ना। तो इसलिए मैं डिपार्टमेंट को वर्न करता हूँ कि दोबारा इस पर नया प्रोसेस में आप लोग अच्छा से एक्सप्लेन नहीं करेगा, हम आपको केस तो देगा प्लस कोर्ट में भी हम केस देगा। क्यों बोलने से, ये हम लोग का हक का पैसा है, आपका सैलरी से एक पैसा तो मांग रहा नहीं, और इस स्टेट गवर्नमेंट आप थोड़ी पैसा दे रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है ना, आपका पैसा, चलो स्टाइपेंड आपका पैसा है, स्टेट स्टाइपेंड जो आपका पैसा है, लेकिन ये हम लोग का जितना स्कॉलरशिप होता है इंडिया में कोई भी स्टेट में बैठो, एसटी कोटा जो एसटी स्टूडेंट है इसको ये स्कॉलरशिप का हकदार होता है। तो इसलिए हम लोग ये इसलिए रैली करना पड़ा है। सबसे पहले तो आपका डिपार्टमेंट, आपका सरकार झूठ बोला है, पोस्ट के आदमी को सेंटीमेंट मिलने देगा बोला है, और कल रैली करेगा बोला है, तो आज सुबह 8 बजे मिलेगा, मिला है क्या स्कॉलरशिप, मिला ही नहीं। तो ये जो डिनर टैक्टिक्स जो ये हम लोग को गुमराह करना, ये बिल्कुल अभी से नहीं चलेगा, ज़्यादा करेगा। डिपार्टमेंट को हम बोल रहे हैं कि हायर एंड टेक्निकल, आप दोनों को डायरेक्टर और नोडल ऑफिसर को, हम बहुत साल से जब इशू आया था आप दोनों को रेस्पेक्ट करके आया, अभी से आप दोनों को भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। आप दोनों का कंधों पे काम चल के आया है, स्टूडेंट को हम बताते आए। इसलिए मैं बोला हूँ कि हम अपना से नहीं कर रहे ना, स्टूडेंट का सेंटीमेंट बार बार मैसेज कॉल से हम भी एक स्टूडेंट का आवाज़ को लेकर अब आ रहा है। इसलिए पेमा के अनुसार मैं आपको डायनेमिक सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पे आप रैली में विकनेस करो, आपका आईजी पूरा आया है यहाँ में, आप देखा होगा, आपने तो यहाँ खबर पत्र भेजा, अभी भी आईजी यहाँ घूम रहा था, बता रहा हूँ कि आप बता के देखो यहाँ कौन सा एंगल में हम लोग पोलिटिकलाइज है, कौन सा आपको पार्टी हम लोग को फोर्स किया है। जितना जो बच्चा हम लोग आया इस दिन आया, अपना से आया, इवन पानी तो हम लोग पीने के लिए नहीं है, पानी को भी दुकान से हमारे खुद पुलिस प्रशासन भी डोनेशन दिया, जहाँ स्पोर्ट में हम लोग को डोनेशन दिया, जितना ये करा है इस दिन जो करा है अपना से विलिंगली आया, कोई बिना ब्रेकफास्ट कोई लंच करके नहीं आया, इसलिए अपना आवाज़ को बताने आया। मैं इसलिए धरना कर रहा हूँ कि पहले हमने इस दिन का होने का नाते हमने डिसिप्लिन से अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम को 7 डेज का देने का आपका कुर्सी में रखा है, रखने के बाद 7 डेज को आप मजाक किया, तो मजाक करने का बाद अल्टीमेटम का बाद तो रैली करना पड़ेगा, तो सैटरडे संडे का ये बहाना मारता है। तो इन लोग जो क्या किया, फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को अनाउंस करता है कि आप लोग का ये जो है स्कॉलरशिप जो 3-4 दिन में रिलीज, 5 दिन में रिलीज होगा, वो सैटरडे संडे को वो लोग झूठ बताने के लिए, वो ऑफिस आवर्स नहीं होगा बोल के। ये बिल्कुल इन लोग का डिले टैक्टिक्स को हम लोग नहीं मानेगा, परमानेंट सोल्यूशन जब तक नहीं देगा हम लोग केस लगेगा, ये हम लोग का आज का मांग। जब तक ज़्यादातर हम लोग का जो एजुकेशन मिनिस्टर था, तब तक हम लोगों को ऐसा सिचुएशन हम लोग को बहुत कमी दिखाई दिया है जितना हम लोग को पता है। और जैसे कि आपको पता है कि अब जो पासंग दोर्जी जो अभी 33 बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो मिनिस्टर चेंज होने के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं डिफेक्ट आपको क्या लगता है, एक्सिक्यूटिव डिफेक्ट जो कमियाँ जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ से आ रहा है। मैं बता दूं कि हम अभी तक जो है ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर सर को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि नया नया जो इलेक्ट हुआ है, नया नया जो मंत्री पद में ये मिला है, तो सर सुनने में आया सर बहुत टैलेंटेड है, बहुत सुना है, मतलब बहुत अच्छा एक टैलेंट वाला है बोला है, तो हम अभी तक उसको रूबारू नहीं हुआ है, मिला नहीं है। तो मैं सर जब पहले ये जो है सर का ये पासिंग दौर जी सर समय से बोल के नहीं है, ये जब से डीबीटी मूड हुआ ना, डीबीटी होता है जो ऑनलाइन में डीबीटी, तब से ये प्रॉब्लम चल के है। 19 में भी मैंने फाइट किया, 2020-21 में भी मैंने फाइट किया, आप लोग देखा होगा। तो ये पहले मिनिस्टर समय भी हुआ, इस बार तो अभी जो सरकार बनने का बाद 2 महीना भी नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली हम हमारा एजुकेशन मिनिस्टर को ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको भी मैं अपील कर सकता हूँ सर, आपको अपील कर रहा हूँ कि आपका आप जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट आप जो डिपार्टमेंट को अच्छे से बोलिए, और डिपार्टमेंट को लगाइए कि परमानेंट सोल्यूशन बच्चा लोग के लिए क्या किया जाए, बैठे बताइए, हायर टेक्निकल को बुलाइए, बैठक बैठा के परमानेंट सोल्यूशन क्या करेगा सर, परमानेंट सोल्यूशन लाने के बाद आप ब्रीफ कीजिए, ये हम लोग का डिमांड है।